नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 17 नवंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। IOCL ने 465 रिक्तियों के लिए जारी किया भर्ती अधिसूचना। स्टार्टअप के लिए बिहार में मिलेंगी सभी सुविधाएं। जिन पर संगीन अपराध का मुकदमा, उन्हें नहीं मिलेगा बालूघाट। शराबबंदी कानून पर उठ रहे सवाल के बीच मद्य निषेध, मंत्री ने बताया सरकार की मंशा। T20 सीरीज से पहले हार्दिक पांड्या का टीम इंडिया पर बड़ा बयान। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। IOCL ने 465 रिक्तियों के लिए जारी किया भर्ती अधिसूचना। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अप्रेंटिस की विभिन्न ट्रेड में कुल मिलाकर 465 रिक्तियों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी किया है। इस पद के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को संबंधित ट्रेड में 12वीं ITI डिप्लोमा ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट https://www.iocl.com पर जाकर चेक कर सकते हैं। स्टार्टअप के लिए बिहार में मिलेंगी सभी सुविधाएं। सरकार रोजगार अनुपात में सुधार करने के लिए कई सारी योजनाएं आरंभ करती है। उसी के तहत बिहार सरकार के द्वारा स्टार्टअप को लेकर भी एक योजना बनाई गई है। बता दें कि श्री सिंह बिहार स्टार्टअप नीति के तहत नवचयनित लाभुकों के लिए सीड फंड और प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान लाभुकों को संबोधित करते हुए कहा गया है कि बिहार में हम स्टार्टअप के लिए विशेष सुविधा युक्त इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। मौर्या कॉम्प्लेक्स और फ्रेजर रोड में स्टार्टअप के लिए कोवर्किंग स्पेस बनाया जा रहा है, जो कि दिसंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही युवाओं को प्रेरित करने के लिए विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में जागरूकता कार्यक्रम कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में उबेर और जोमैटो जैसी स्टार्टअप कंपनी का निर्माण होना चाहिए। बिहार में स्टार्टअप के लिए हर प्रकार की सुविधा दी जाएगी। पटना विश्वविद्यालय में 19 नवंबर को छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान। पटना विश्वविद्यालय में होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर महज 3 दिन बच गए हैं। बता दें कि छात्र संघ चुनाव 19 नवंबर को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया जाना है। ऐसे में विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से चुनाव को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई है। जानकारी के लिए बता दें कि छात्र संघ चुनाव को लेकर 51 बूथ बनाए गए हैं। वहीं चुनाव में कुल 306 बैलेट बॉक्स लगाए जाएंगे। इसके साथ ही सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन से पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मियों की मांग की गई है। वहीं हर एक बूथ पर एक मजिस्ट्रेट और 4 पुलिस बल भी मांग की गई है। इसके अलावा प्रत्येक कंस्टिट्यूएंसी के बाहर भी पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों का डिमांड किया गया है। बताते चले कि सेंट्रल पैनल के 5 पदों के लिए कुल 36 उम्मीदवार हैं, जिनमें 7 उम्मीदवार अध्यक्ष पद पर, 8 उम्मीदवार उपाध्यक्ष पद पर, 9 उम्मीदवार महासचिव, 6 संयुक्त सचिव पद और 6 उम्मीदवार कोषाध्यक्ष पद के लिए खड़े हैं। बिहार में क्यों बढ़ाया गया जातिगत जनगणना का समय? बिहार में जातिगत जनगणना क्यों बढ़ाया गया है, इस सवाल पर मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार के द्वारा फुल स्टॉप लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कई कार्यक्रमों के कारण जातिगत जनगणना में देरी कर दी गई थी, लेकिन अब जो समय निर्धारित किया गया है उसी समय पर यह जनगणना कराई जाएगी। वहीं जब उनसे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमंत्री नितिन गडकरी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो लोग बिहार के हित के लिए काम करते हैं उनकी तारीफ जरूर होनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी का नेता हो या किसी और पार्टी का। अगर तेजस्वी यादव नितिन गडकरी की तारीफ कर रहे हैं तो यह अच्छी बात है। उत्पाद विभाग के स्पेशल अधिकारी के फ्लैट सहित 2 घरों में हुई चोरी। बिहार के भागलपुर जिले के जोसगढ़ थाना क्षेत्र स्थित एक सिविल सर्जन आवास के सामने की गली स्थित श्रीकुंज अपार्टमेंट में हुई है। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार इसमें से एक फ्लैट 1A उत्पाद विभाग से जुड़े एक स्पेशल अधिकारी की है, वहीं दूसरा फ्लैट 2A में शादी की तैयारियां चल रही थी। चोरों के द्वारा इन दोनों फ्लैटों में से लाखों का गहना और नगद पैसे चोरी कर लिए गए और फरार हो गए। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस CCTV फुटेज की जांच की जा रही है। हालांकि अब तक CCTV में छानबीन के दौरान 2 संदिग्ध व्यक्तियों को अंदर जाते और निकलते हुए देखा गया है, जिसकी पहचान पुलिस के द्वारा की जा रही है। जानकारी के लिए बता दें कि बीते दिन ही वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा ठंड को देखते हुए थाना प्रभारियों को गश्ती करने का निर्देश दिया गया था। पटना हाईकोर्ट ने अवैध अतिक्रमण को लेकर की सुनवाई।
पटना हाई कोर्ट ने राज्य में जलीय क्षेत्रों में अवैध अतिक्रमण को लेकर सुनवाई की है, जिसमें उन्होंने पटना और मगध प्रमंडल के अंचल अधिकारियों को अगली सुनवाई में तलब किया है। बता दें कि रामपुनी चौधरी की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ के द्वारा सुनवाई की गई है। कोर्ट ने इस मामले पर सख्त निर्देश देते हुए तिरहुत, दरभंगा और मुंगेर प्रमंडलों के सभी अंचल अधिकारियों को जलीय क्षेत्रों में हुए अतिक्रमण को हटाकर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि याचिकाकर्ता सुरेंद्र कुमार सिंह के द्वारा कोर्ट को बताया गया कि राज्य में बड़ी संख्या में जलीय क्षेत्र थे जिनका उपयोग कृषि कार्य के लिए किया जाता था, लेकिन अब अधिकांश जलीय क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया गया है। इससे कृषि कार्य के लिए जल की उपलब्धता कम हुई है और साथ ही वर्षा के जल को भी रोकने का मार्ग खत्म हो गया है। वहीं इस मामले को लेकर अब अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद की जाएगी। जिन पर संगीन अपराध का मुकदमा उन्हें नहीं मिलेगा बालूघाट। राज्य सरकार के द्वारा बालूघाटों को लेकर एक नया नियम बनाया गया है, जिसके तहत अब उन लोगों को किसी भी सूरत में बालूघाट नहीं दिया जाएगा जिन पर संगीन अपराध का मुकदमा दर्ज हो। बता दें कि अब से टेंडर में शामिल होने से पहले इस संबंध में प्रमाण पत्र देना होगा। उन्हें बताना होगा कि उन पर किसी मामले को लेकर कोई संगीन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है, इसलिए उन्हें संबंधित जिले के DM, SP या SDO द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिखाना होगा। वहीं अगर किसी व्यक्ति ने गलत प्रमाण पत्र जमा किया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्हें 2 वर्ष के लिए ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाएगा। 10,000 पुलिस कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद बोले सीएम नीतीश। सीएम नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में 10,000 पुलिस कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद सभी को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में प्रति 1 लाख आबादी पर 160 से 170 पुलिस कर्मी होंगे। इसके लिए सरकार को जल्दी ही प्रस्ताव भेजे जाएंगे। बिहार में कानून का राज स्थापित है और इसे आगे भी इसी तरह कायम रखना है। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों से गश्ती की व्यवस्था को और भी दुरुस्त करने को कहा है। अगर जरूरत पड़ी तो हर थाना को 3री गाड़ी भी गश्ती के लिए उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। इसके साथ ही हर थाना पर महिला पुलिसकर्मी का होना जरूरी है। इसके साथ ही नीतीश कुमार के द्वारा लोगों को संबोधित करते हुए यह घोषणा भी की गई कि शीघ्र ही 44,000 स्वीकृत पदों पर पुलिस बल की नियुक्ति की जाएगी। शराबबंदी कानून पर उठ रहे सवाल के बीच मद्य निषेध मंत्री ने बताया सरकार की मंशा। बिहार में शराबबंदी होने के बाद से विपक्ष के द्वारा शराबबंदी कानून में संशोधन किए जाने और हटाने की मांग की जा रही है। इन्हीं सवालों का जवाब देते हुए जदयू के जनसुनवाई कार्यक्रम में पहुंचे मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने यह साफ कह दिया है कि बिहार से शराबबंदी को नहीं हटाया जाएगा और न ही इसमें कोई संशोधन किया जाएगा, बल्कि बिहार में शराबबंदी को सख्ती से लागू किया जाएगा। वहीं जब जरूरत होगी तो शराबबंदी में संशोधन करने की, उस समय इसमें संशोधन किया जाएगा। अभी हाल में ही इसमें संशोधन किया गया है और सबकी सहमति मिलने के बाद ही बिहार में शराबबंदी लागू है। इसलिए सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि बिहार से शराबबंदी कानून को हटा दिया जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जदयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने भी शराबबंदी में संशोधन करने की मांग की थी। DLED की 30,700 सीटों पर नामांकन अब 18 से। DLED संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 के आधार पर बिहार बोर्ड की ओर से एक बार फिर नामांकन तिथि में बदलाव कर दिया गया है। बता दें कि नामांकन तिथि में बदलाव किए जाने के बाद पहली मेधा सूची के अनुसार नामांकन 18 से 23 नवंबर को की जाएगी, जिसमें छात्र स्लाइड अप की प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं नामांकन की पहली मेधा सूची 9 नवंबर को जारी की जानी थी, जिसे बदलकर 14 नवंबर की गई थी, जिसके बाद एक बार फिर तिथि में बदलाव कर 17 नवंबर कर दी गई है। वहीं इसकी दूसरी मेधा सूची 26 नवंबर को जारी की जाएगी, जिसके तहत छात्र 27 से 28 नवंबर तक नामांकन ले सकते हैं। इसके बाद बोर्ड की ओर से तीसरी सूची 29 नवंबर को जारी की जाएगी, जिसके तहत 30 नवंबर से 1 दिसंबर तक छात्र नामांकन ले सकते हैं। न्यूनतम तापमान में देखने को मिली गिरावट। बिहार में बीते कुछ दिनों से लगातार तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। राज्य में उत्तर पछुआ हवाओं के कारण राजधानी पटना समेत कई इलाकों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार 16 नवंबर से राज्य में ठंड शुरू हो गई है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार राजधानी पटना में दिसंबर के महीने में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचने की संभावना है, जिसके बाद ठंड सबसे ज्यादा होगी। दिसंबर महीने में अधिकतम तापमान में भी लगातार गिरावट शुरू होगी। इस दौरान अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, जिसके कारण दिन मौसम सामान्य बना रहता है। वहीं शाम होते ही तापमान में गिरावट होने लगती है और ठंड बढ़ जाती है। डॉक्टरों ने लोगों से सावधान रहने को कहा है, क्योंकि बदलते मौसम में लोगों के बीमार होने की संभावना ज्यादा होती है। बीपीएससी 67वीं PT का रिजल्ट और 68वीं का नोटिफिकेशन एक साथ।
बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा एक साथ ही बीपीएससी 67वीं पीटी का रिजल्ट और 68वीं का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। आयोग के सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार के द्वारा बताया गया है कि 67वीं प्रारंभिक परीक्षा के ओएमआर सीट का मैनुअल चेकिंग किया जा रहा है और इस काम के पूरा होते ही इसका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। वहीं 67वीं के रिजल्ट के साथ ही आयोग की ओर से 68वीं की नई वैकेंसी की भी लिस्ट जारी कर दी जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार आज शाम तक इन दोनों चीजों को लेकर नोटिफिकेशन जारी की जा सकती है। वहीं आयोग को अब तक 300 वैकेंसी प्राप्त हो चुकी है, जिनमें पुलिस उपाध्यक्ष के 8 पद के साथ साथ अनुसूचित जाति समेत लगभग एक दर्जन से विभागों में नियुक्ति की जानी है। श्री उग्रतारा स्थान इस वजह से है बेहद खास। बिहार के प्रसिद्ध शक्ति स्थलों में सहरसा जिले के महिषी में अवस्थित उग्रतारा स्थान प्रमुख है। मंडन मिश्र की पत्नी विदिशु भारती से आदि शंकराचार्य का शास्त्रार्थ यही हुआ था, जिसमें शंकराचार्य को पराजित होना पड़ा था। सहरसा से 16 किलोमीटर दूर इस शक्ति स्थल पर सालों भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्र के दिनों में और प्रति सप्ताह मंगलवार को यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है। शक्ति पुराण के अनुसार महामाया सती के मृत शरीर को लेकर शिव पागलों की तरह ब्रह्मांड में घूम रहे थे। इससे होने वाले प्रलय की आशंका को देखते हुए विष्णु द्वारा महामाया के मृत शरीर को अपने सुदर्शन से 52 भागों में विभक्त कर दिया गया था। सती के शरीर का जो हिस्सा धरातल पर जहां गिरा उसे सिद्ध पीठ के रूप में प्रसिद्धि मिली। महिषी उग्रतारा स्थान के संबंध में ऐसी मान्यता है कि सती का बायां नेत्र भाग यहां गिरा था। बिहार पहुंचे तुषार गांधी, भारत जोड़ो यात्रा पर कही यह बड़ी बात। बीते दिन बुधवार को बरहट प्रखंड के खादी ग्राम में श्रम भारती द्वारा आयोजित सांप्रदायिक सत्ता विरोधी समागम में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने देश की मौजूदा हालत पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि आज देश को एक नहीं बल्कि हजारों लाख गांधी की जरूरत है। राहुल गांधी ने बापू के पथ पर चलकर ही भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किया है। बापू के मार्ग पर ही चलकर देश का विकास संभव है, ये उनका अपना राजनीतिक सोच है। हम सभी को आज के समय के राजनीतिक से अलग कर एक नए विचारधारा के साथ काम करना चाहिए। बापू किसी प्रतिमा में नहीं, हम सबों के दिलों में है। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपिता के 8 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी किया। मानसिक स्वास्थ्य व्यवस्था पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। पटना हाईकोर्ट द्वारा मानसिक स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं से संबंधित मामले पर सुनवाई हुई, जहां चीफ जस्टिस संजय करोल खंडपीठ ने आकांक्षा मालवीय की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा देने के लिए 12 दिसंबर तक की मोहलत दी है। सुनवाई के दौरान आकांक्षा मालवीय ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट की तरफ से दिए गए निर्देश के बाद भी किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। आपको बता दें कि कोर्ट ने याचिकाकर्ता को राज्य में मानसिक स्वास्थ्य सेवा में क्या क्या कमियां हैं उनके संबंध में ब्यौरा देने को कहा था, साथ ही इसमें सुधार करने को भी कहा गया था। उपेंद्र कुशवाहा ने की केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तारीफ। पिछले दिनों जहां तेजस्वी यादव ने नितिन गडकरी की तारीफ की थी, वहीं अब उपेंद्र कुशवाहा ने भी नितिन गडकरी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता लोग गडकरी जी को साइड करते जा रहे हैं, उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगती कि उनकी पार्टी में रहकर कोई अपना पर्सनालिटी डेवलप करे, इतना काम करे कि लोगों की निगाह उस पर चली जाए। ये बात उन सभी को पसंद नहीं है जो बीजेपी के बड़े लीडर हैं। गडकरी जी तो अच्छा काम कर ही रहे हैं, लेकिन आपने देखा ना, अभी जो बीजेपी की कमेटी बनाई गई है उसमें से गडकरी साहब को निकाल दिया गया है। अगर गडकरी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो कोई भी कहेगा कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। नीतीश ने कहा बिहार में कानून का राज, तेजस्वी ने विपक्ष पर कसा तंज। बीते दिन गांधी मैदान में पुलिस कर्मियों को नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में कानून का राज है, यहां क्राइम करने वालों पर त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि केस दर्ज होने के बाद उसका समय सीमा के अंदर निष्पादन होना चाहिए। आज हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। जानकारी के लिए बता दें कि इसी कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र मिलना पच नहीं रहा है, हम बस अपने कमिटमेंट पर काम कर रहे हैं। आजकल समाज में जहर बोने का काम किया जा रहा है, अगर कोई समाज का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्ती बरती जाएगी। नीतीश कुमार कहने वाले नहीं बल्कि करने वाले हैं। बिहार में नीतीश तेजस्वी कर रहे नियुक्ति घोटाला, विजय सिन्हा ने खोली पोल।
बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव लगातार नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। इसी को देखते हुए अब नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नीतीश तेजस्वी की सरकार जिस नियुक्ति पत्र को बांट रहे हैं वह नियुक्ति पत्र को सिद्दीप लांडे के द्वारा उनके कार्यकाल के दौरान बांट दिया गया था। नीतीश कुमार बिहार की जनता को श्वेत पत्र जारी कर बताएं कि जिस नियुक्ति पत्र को वो बांट रहे हैं उसका विज्ञापन कब निकाला गया था, फाइनल रिजल्ट कब जारी की गई थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह नियुक्ति पत्र घोटाला वाला पत्र है, इसलिए नीतीश कुमार चालक बनिए, चालाक नहीं। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार से सवाल किया कि वे 4 लाख से ज्यादा नियोजित शिक्षकों को परमानेंट क्यों नहीं कर रहे हैं। नीतीश के जिद के कारण बिहार बर्बाद हो रहा है। जमुई सांसद चिराग पासवान और विधायक श्रेयसी सिंह में होगी बातचीत। महिला क्रिकेटरों को आगे बढ़ाने के लिए जमुई सांसद चिराग पासवान के द्वारा महिला क्रिकेटर ज्योति को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया गया है। हालांकि इसे लेकर क्रिकेटर ज्योति ने चिराग पासवान से भेंट की और कई मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सांसद को बताया कि वे जमुई से अकेली महिला क्रिकेटर हैं जो निरंतर 3 साल से स्टेट खेल रही हैं। मैं यहां की लड़कियों को टीम को आगे ले जाना चाहती हूं। यहां की लड़कियों ने कई खेलों में जमुई का नाम रोशन किया है, पर क्रिकेट के क्षेत्र में मैं अकेली हूं। उन्होंने कहा कि वे लड़कियों का राज्य स्तरीय टूर्नामेंट कराना चाहती हैं। इसके अलावा बेहतर कोच, फिजियो और ट्रेनर को भी मैं लाना चाहती हूं, जिसके लिए मुझे आपकी मदद की भरोसा चाहिए। इस पर चिराग पासवान ने कहा कि वे इस पर क्रिकेटर श्रेयसी सिंह से भी बात करेंगे, वे महिलाओं की प्रतिभा को जरूर समझेंगे। इसके अलावा मैं जमुई के क्रिकेट संघ बिहार क्रिकेट संघ के अध्यक्ष राकेश तिवारी से भी बात करूंगा। 10वीं और 12वीं में होगा 2 बार प्री बोर्ड। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा सभी स्कूलों को निर्देश जारी कर दिया गया है कि 2023 से 10वीं और 12वीं में होने वाले वार्षिक परीक्षा के लिए 2 बार प्री बोर्ड की परीक्षा ली जाएगी। बता दें कि पहली प्री बोर्ड परीक्षा दिसंबर में तो वहीं दूसरी प्री बोर्ड परीक्षा जनवरी में आयोजित की जाएगी। वहीं अगर छात्र इस परीक्षा में सफल नहीं हो पाते हैं तो उनके लिए स्कूल के द्वारा अतिरिक्त कक्षाएं चलाई जाएंगी। इसके साथ ही इन दोनों परीक्षाओं का प्रश्न पत्र भी स्कूल के द्वारा ही बनाया जाएगा और बोर्ड के द्वारा रिजल्ट संभाल कर रखने की जिम्मेदारी भी स्कूल को ही सौंपी गई है। जानकारी के लिए बता दें कि अब तक CBSE स्कूलों में प्री बोर्ड की परीक्षा 1 बार ही ली जाती थी, लेकिन अब इसमें बदलाव करते हुए 2 बार ली जाएगी। वहीं इस परीक्षा का भी आयोजन बोर्ड परीक्षा की तरह ही किया जाएगा। T20 सीरीज से पहले हार्दिक पांड्या का टीम इंडिया पर बड़ा बयान। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 18 नवंबर से सीरीज की शुरुआत होने वाली है, जिसमें पहले 3 मैचों में T20 सीरीज खेली जाएगी, तो वहीं इसके बाद के 3 मैचों में वनडे मैच खेले जाएंगे। इसी बीच सीरीज की शुरुआत होने से पहले T20 टीम की कप्तानी करने वाले हार्दिक पांड्या का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 2024 T20 विश्व कप का रोड मैप अभी शुरू हो गया है और कई खिलाड़ियों को टीम में जगह बनाने का दावा पुख्ता करने का मौका दिया जाएगा। टीम को विश्व कप की नाकामी से उबरना होगा, क्योंकि हम प्रोफेशनल हैं, इसलिए हमें अपने निराशा को खत्म करना होगा, हमें असफलता को छोड़कर आगे देखना होगा और अपनी गलतियों से सबक लेना होगा। हमारे पास अगले T20 विश्व कप होने तक 2 साल का समय है, तब तक हम नई प्रतिभाएं तलाश सकते हैं। इस दौरान काफी क्रिकेट खेली जाएंगी और कई खिलाड़ियों को मौका भी दिया जाएगा। फिलहाल यह सुनिश्चित करना यह है कि खिलाड़ी यहाँ खेलने का मजा ले। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। मुगल शासक बाबर ने 1525 में भारत को जीतने के मकसद से सिंध के रास्ते 5वीं बार प्रवेश किया। भारत की रीता फारिया ने 1966 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। मिस वर्ल्ड बनने वाली वह पहली एशियाई महिला थी। 10 साल के निर्माण कार्य के बाद 1859 में स्वेज नहर को यातायात के लिए खोल दिया गया। यह नहर यूरोप का एशिया से जोड़ता है। रामेश्वर ठाकुर 2004 में उड़ीसा के राज्यपाल बने। 10 साल के निर्माण कार्य के बाद 1859 में स्वेज नहर को यातायात के लिए खोल दिया गया। यह नहर यूरोप को एशिया से जोड़ता है। प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ श्रीमती सरोजनी नायडू की पुत्री पद्मजा नायडू का जन्म 1900 में हुआ। स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय का निधन 1928 में हुआ। भारतीय राजनेता और शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे का निधन 2012 में हुआ। भारतीय सैन्य अधिकारी तथा असम, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल श्रीनिवास कुमार सिन्हा का निधन 2016 में हुआ। आज का दिन ही विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। वायरस
वायरल खबर में आज बात होगी आगामी शीतकालीन सत्र में पेश होने वाले एक खास विधेयक के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इस कड़ी में आज हम बात करेंगे आगामी शीतकालीन सत्र में पेश होने वाली एक खास विधेयक के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में एक विधेयक पेश किया जाएगा, जिसके द्वारा खुफिया ब्यूरो प्राथमिकी दर्ज करने, मामले की जांच करने और लोगों को पूछताछ करने के लिए तलब करने में सक्षम हो सकता है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह क्लेम फेक है, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर के और भी हैं विकल्प जो देंगे ट्विटर को कड़ी टक्कर। यदि आप भी उन लोगों में हैं जो ट्विटर के विकल्प की तलाश कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि कू माइक्रो ब्लॉगिंग स्वदेशी ऐप ट्विटर का अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि यह भी ट्विटर की तरह ही ओपिनियन शेयरिंग माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। ये मूल भाषा में राय या विचार साझा करने की सुविधा देते हैं। कू ने हाल ही में 5 करोड़ डाउनलोड हासिल कर दुनिया में उपलब्ध दूसरा सबसे बड़ा माइक्रो ब्लॉग बन गया है। फिलहाल यह ऐप भी 10 भाषाओं में मौजूद है, जिसका उपयोग 100 से अधिक देशों के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर आपको वो अधिकांश सुविधा मिल जाएंगी जो ट्विटर पर मिलती रही है। इस मंच पर आप तस्वीरें शेयर कर सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं, यहाँ तक कि कू पर 10 प्रोफाइल फोटो अपलोड करने तक की सुविधा दी गई है। कू की तरह ही कई अन्य ऐप भी है जिन्हें ट्विटर के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिनमें मस्टोडन, टम्बलर, काउंटर सोशल, कोहोस्ट शामिल है। बिहार आंगनबाड़ी लाभार्थी योजना के लिए ऐसे करें आवेदन। बिहार आंगनबाड़ी लाभार्थी योजना बिहार सरकार की ओर से प्रदेश की गर्भवती महिलाओं और बच्चों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लॉकडाउन के दौरान शुरू की गई थी। इस योजना के जरिए लाभार्थियों को आर्थिक सहायता पहुंचाई जाती है। वहीं जो गर्भवती महिलाएं इस योजना का लाभ उठाना चाहती हैं, उन्हें इसके लिए आवेदन करना होगा और रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके लिए आपको बिहार राज्य सरकार की ओर से जारी की गई आधिकारिक वेबसाइट icdson.bih.nic.in पर जाना होगा। राशि को सीधे बैंक खाता में भुगतान हेतु ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करें। अगले पेज पर पत्र भरने के लिए यहां क्लिक करें पर क्लिक करें। अब आपके सामने आवेदन पत्र खुल जाएंगे, जिसमें आप पूछी गई जानकारी भरें और रजिस्टर कर के विकल्प पर क्लिक कर ले। जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के तहत 1500 रुपए की राशि DBT के माध्यम से सीधे खाते में भेजी जाती है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, कुश कुमार यादव, नवीन कुमार, बाबूलाल मरांडी, धनंजय यादव, मृत्युंजय कुमार, अजय भारती, रविशंकर, उमेश ऋषिदेव, श्वेता स्वरूप, शंकर मुखिया, प्रहलाद कुमार, मधुलता, रजनीश रंजन, मनोज कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार आंगनबाड़ी योजना का लाभ लोगों को मिल पा रहा है या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना न भूले। धन्यवाद।